फिज़िकल क्वांटिटीज के बारे में हमारा जो डिस्कशन आपसे रहा है वो काफ़ी डिस्क्रिप्टिव रहा है अब हम चाहते हैं कि हम आपको उसके टॉपिकल पास पेपर्स भी ले जाएं थोड़ा सा तो उसको डिस्कशन को मजीद अब आप बैक होम स्क्रीन पे देखेंगे तो ईयर हमारे पास 22 है और इसका वील 2 है जिसमें हम पेपर वन फ़िलहाल एड्रेस कर रहे हैं क्वेश्चन इज वाट कुड नॉट बी अ मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल कोटिटी फ़िजिकल क्वान्टिट्टी अगर हम याद करते हैं तो हम ये कहते थे कि फिजिकल क्वान्टिटी में दो चीज़ें शामिल होनी चाहिए एक उसका प्रोप्रियड यूनिट होता है और एक उसके साथ कोई मैग्नीट्यूड एसोसिएटेड होता है तो इन सब ऑप्शन में से कौन बिल्कुल भी फिजिकल नहीं है तो ए एज टेन केलविन कैलविन बेसिकली टेम्परेचर का यूनिट है दैट मीन्स टेन मैग्नीट्यूड के केलविन यूनिट तो फिजिकल क्वान्टिटी है ए बी की बात करते हैं तो इट्स इज इलेवन जूल्स पर न्यूटन पर मीटर तो आई गो विद दिस वाई इज दैट सो बिकॉज इलेवन मैग्नीट्यूड हो गया ठीक है जूल्स फिर लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में न्यूटन मीटर राइट दैट मीन्स के अगर आपको याद हो तो न्यूटन मीटर तो बेसिकली वर्क का फार्मूला होता है ना दैट इज फोर्स टाइम्स डिस्प्लेसमेंट तो एक्चुअली ये क्या बन जाएगा actually ये वापस जूल्स ही बन जाएगा सो वी डी हैविंग एनीट ही सो सी और डी में कुछ ना कुछ तो यूनिट एग्जिस्ट कर जाएगा तो लेट्स मूव इट्स इज कम्प्यूटर मेमरी स्टिक्डिंग स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट गीगा तो गीगा कैसे कहते हैं आप हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट गीगा का मतलब होता है एक्सपोनेंट नाइन तो इसे हम नोटेशन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो दिस वुड एक्सपोनेंट इलेवन, क्योंकि ये डेसिमल भाई दो प्लेसेस शिफ्ट हो रहे होंगे सो वन पॉइंट टू एट एक्सपोनेंट इलेवन। देन वी हैव मैन ऑफ मास से तो मास रीडिंग्स उसके सामने हैं ठीक है और रीडिंग्स के सामने ओके विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स दी प्रेसिजन एंड एक्यूरेसी ऑफ़ स्किल्स प्रिसाइज और एक्यूरेट इन में से कौन है तो वी वी कैन सी इजिली दिस इन द गिवन क्वेश्चन प्रिसजन तो तीनों में हमें ऑलमोस्ट नज़र आ रही है एटी पॉइंट वन एट्टी पॉइंट टू एट्टी पॉइंट टू कोई क्लोज मेजरमेंट से कोई फर्क नहीं इतना लेकिन एक्यूरेट के लिए क्या होना चाहिए तो ऑप्शन ए और बी तो दोनों यहाँ पे हम सेलेक्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट इज स्टार्टिंग विद अ नॉट प्रिसाइज तो दीज आर तो नाउ आउट ऑफ सी एंड डी

क्यों क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने मेजरमेंट uh, की तो मेजरमेंट में हम पूरा स्मॉलेस्ट काउंट कंसिडर करते हैं जो अनसर्टेनिटी पे हेल्प आउट करता है जिससे एक्यूरेसी इफेक्ट हो रही होती है लेकिन रीडिंग में हम काउंट करते हैं स्मॉलेस्ट का हाथ क्योंकि रीडिंग कहीं से शुरू हो रही होगी और कहीं खत्म हो रही होगी तो इस हिसाब से देखा जाए तो दिस इज नॉट एक्यूरेट टू पॉइंट वन सो आई गो ऑप्शन डी देन वी हैव एन अदर क्वेश्चन कमिंग अप या सो वॉट इज़ अ रीज़नेबल एस्टिमेट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ एन एडल्ट पर्सन अंदाजन एक वॉल्यूम बंदे का कितना होना चाहिए तो उसके लिए हम ऑप्शन ए बड़े आराम से सेलेक्ट कर सकते हैं पॉइंट वन क्योंकि इतना मोटा ताज़ा जॉइंट बंदा तो मेरा नहीं ख्याल के होना चाहिए राइट तो इतना तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये क्यूबिक मीटर बहुत ख़तरनाक हद खत तक है खैर नहीं बेज़ आगे जाते हैं दैन पावर डिसिपेटेड तो पावर डिसिपेटेड बेसिकली पावर होगी पावर होती है वाट में तो वाट होता है जूल्स पर सेकेंड राइट तो जूल्स पर सेकेंड आपको कहाँ मिल रहा होगा इसमें तो अब आप ज़रा ऑप्शन देखें अगर तो आपको ये सेलेक्ट करना है कि इनमें से किस के हिसाब से हम बात करेंगे तो जूल्स बेसिकली होता है न्यूटन मीटर और डिनोमिनेटर में सेकेंड सो दिस शुड बी एन एम सेकेंड इन वर्स दिस वी ऑप्शन डी देन वी हैव अर ओ बचपन की यादें हमारी ताज़ा हो जाएंगी थोड़ी सी ओ लेवल्स के अंदर हमारा डिस्कशन होता था फ्रीक्वेंसी फ्रीकुनसी फाइव वर्ड्स राइट सो फ्रीक्वेंसी ट्वेंटी फाइव वर्ड्स की है जिसको हम सबसे पहले तो कन्वर्ट कर लेते हैं फॉरन फॉरन टाइम पीरियड में तो एक फार्मूला याद आएगा हमें बचपन में हम पढ़ते थे वो होता था टी इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ वुड बी वन ओवर ट्वेंटी जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड्स ठीक है तो ये जीरो पॉइंट जीरो फोर सेकेंड्स क्या है तो पहले तो ये कि आप देखें आपके पास जो ऑप्शन हैं दे आर इन मिली सेकेंड्स राइट तो आप इसको मिली सेकेंड में कन्वर्ट कर लें सो फोर माइनस वन माइनस टू एंड माइनस थ्री सो दिस वी फोर्टी मिली सेकेंड राइट हमने डेसिमल को शिफ्ट कर दिया अब ये फोर्टी मिली सेकेंड है टाइम फॉर वन वेव एक वेव के लिए इतना टाइम है सो टाइम फॉर वन वेव इज फोर्टी मिली सेकेंड सो इफ दिस इज़ द टाइम फॉर वन वेव तो यहाँ तक जो टाइम है उसको फोर्टी होना चाहिए तो अगर उसको 40 होना चाहिए तो फिर सीआरओ की टाइम बेस सेटिंग क्या होगी तो आप देख सकते हैं फोर्टी में आपके पास यहाँ पे दो डिविजन हैं तो एक डिविजन की वैल्यू क्या होनी चाहिए एक डिविजन की वैल्यू होनी चाहिए ट्वेंटी डिस्कशन uh, हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़ पे आप कंप्लीट होता है अगर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती तो आप डिस्कशन बॉक्स में हमें रीच uh, आउट कर सकते हैं वहां पे आपको फॉरन से रिप्लाई मिल जाएगा